अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अच्छे हैं। और आज हम बनाएंगे मज़ेदार से पाए। तो पाए बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली हूँ दो पाए, बकरे के हैं। और साथ में ही हमको क्या क्या लगेगा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है अखा मसाला, जिसमें है ये तेज पत्ता ली हूँ, दो तेज पत्ते थे उसको टुकड़े कर ली हूँ। और तीन से चार लौंग है, और दो दालचीनी के टुकड़े, और दो है बड़ी इलायची। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, गार्निशिंग के लिए है कोथमीर, और ये है मिर्ची, और क्या बोलते हैं अदरक, जो क्या आप मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से लेना। बच्चे हैं इसलिए मैंने कम ली हूँ। और इसके अंदर है टमाटर, बटर, प्याज है, जो कि ये दो प्याज है बड़ी साइज की, उसको मैंने अच्छे से कट कर ली हूँ। और यहाँ पे हमारे कुछ स्पाइसेस है, जिसमें है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चौथाई चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच से कम है कश्मीरी लाल मिर्ची कलर के लिए, ताकि हमारा सालन का कलर अच्छा है। और यहाँ पे है दो चम्मच है धनिया पाउडर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कटोरी के करीब डालूंगी ऑयल। जब हमारा अच्छे से ऑयल गरम हो जाएगा तो जो मैंने ये अखे मसाले ली थी ना वो डालेंगे, लेकिन जब तक ऑयल गरम नहीं होएगा जब तक नहीं डाल मसाले जो मैंने दिखाई थी वो मसाले। मसाले में से खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमारे मसाले में से खुशबू आने लगी है, हमें इसके अंदर डालूंगी प्याज, जो हमने कट करके रखे थे ना वो प्याज डाल देगी। और इसको अच्छी तरीके से, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, अगर ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करेंगे ना तो प्याज है ना सालन में तैरती भी दिखेगी, मतलब वो जल्दी गलती नहीं है। हमको हल्की मतलब डार्क ब्राउन करने का, बताती हूँ कैसे करेंगे। इसी डार्क ब्राउन होना चालू हो गई है, मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं हुई है, आधी वाइट और आधी वो है। तो हम इस स्टेज पर डाल देंगे हमारे पाए। पाए डालने के बाद अच्छी तरीके से उसको प्याज के साथ चला लेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अदरक लहसुन दो चम्मच है। अब इसको अच्छी तरीके से फिर से भून लेंगे। और यहाँ पे भूनते भूनते मेरे को दो मिनट हो गया है, अदरक लहसुन की अच्छे से महक आ गई है, मतलब महक जो रहती है ना कच्ची स्मेल वो चली गई है और खुशबू आना शुरू हो गई है। तो हम इसको दो तीन सेकंड के लिए और उसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो यहाँ देख सकते हो मैंने अच्छी तरीके से इसको भून ली हूँ दो तीन सेकंड के लिए। अब इसके अंदर मैं डालूँगी कुछ स्पाइसेस जो आपको बता चुकी थी ना, ये हल्दी मिर्ची धनिया और ये ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला इसमें नहीं जाएगा, ये डाल दूंगी। और साथ में ही इसके अंदर ऐड कर दूंगी नमक। नमक हमको है ना पहले ही डालने का था, पाया जब डाले थे ना जब भी अदरक लहसुन के बाद, लेकिन मैं भूल गई थी तो कोई नहीं अभी डाल दूंगी। और अभी उसको अच्छे तरीके से हम, अब नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले लेना। अब उसको अच्छी तरीके से हम जो मसाला डाले ना उसको अच्छे से भूनेंगे, ताकि हमारी प्याज भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और पूरी प्याज जो है वो गल जाए मसालों में भूनने के लिए। अब इसको अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे इसमें। और है ना एक साथ में हमें ना ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ना पानी डाल के इसको मसाले को भूनेंगे, ताकि हमारा मसाला जो है ना नीचे लगे नहीं, हमारा मसाला भी अच्छे से भूने और नीचे लगे नहीं, इस बात का ध्यान रखते हुए हमको अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके भूनना। जैसे कि देखिए मैं भूनी, अब जब इसको लगने लगेगा ना थोड़ा सा पानी फिर डालूंगी, और उसको भूनते भूनते रहने का 5 से 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि जितना अच्छा हम भूनेंगे उतना अच्छा हमारा सालन बन के तैयार होगा। इसको 5 से 10 मिनट ऐसे ही भूनने का। मसाला भूनते भूनते पाए के साथ देखो कितना अच्छा भूनते भूनते हो गया है, 5 से 8 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पे देखो मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है, ये देख सकते हो अब घुल मिल गए, तो हमारा जो सालन बनेगा ना वो बहुत टेस्टी बनेगा, देख सकते हो।
और अब इसके अंदर मैं डालूंगी। और यहाँ पे देखो मसाले में भूनते भूनते यहाँ पे हमारी बोटी भी, जो ये पाए का है ना, कितनी अच्छी कोटिंग हो गई है मसाले की। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 लीटर पानी, क्योंकि ये सोरवा है ना पतला ही रहता है, पाया ज़्यादा वो नहीं रहता सालन के जैसा। इसमें टमाटर भी नहीं जाता, दही भी नहीं जाता, बहुत से मसाले इसमें नहीं जाते। एकदम सिंपल और इजी तरीके से बता रही हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से मैंने मिला ली हूँ। अब इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए, यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। और अभी ये सीटी होने के बाद, जब इसके बाद वाली सीटी भरेगी ना, तो मैं गैस बंद कर दूंगी। जब वो अपने करती हूँ गैस बंद, तो यहाँ पे हमारे को सीटी गैस बंद कर दी थी, सीटी अपने आप में देखो निकल गई है। अब मैं इसको खोलती हूँ और देखती हूँ कि कितना हमारा गला है या नहीं। तो यहाँ पे देखियो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और जहाँ तक लग रहा है कि हमारे पाए जो है वो अच्छी तरीके से गल गए हैं। मैं दिखाती हूँ, बहुत गर्म है, हाँ बहुत गर्म है, लेकिन ये दिख रहा है कि पक गए। एक एक पाया अच्छी तरीके से देखिए पक गए हैं। और हमारी ग्रेवी भी देखो कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है, क्योंकि ये पतला ही रहता है। अगर आपको थिक करना है तो आप धनिया पाउडर ज़्यादा डाल सकते हो, पानी की क्वांटिटी कम कर सकते हो, लेकिन पाया इतना ही पतला अच्छा लगता है, तो मैंने बस इतना ही रखा। और अब इसके अंदर से मैं डालूंगी थोड़ी सी कोथमीर डालेंगे हम, यहाँ पे मैं कोथमीर लेती है डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। खोलते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी इसको हम करेंगे सर्व, ठीक है।